पैसे की जितनी इंपॉर्टेंस है उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस देना, क्या वो ग्रीड है? No, या वो नीड है? Need. वो नीड है. अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारी नीड्स इतनी बढ़ गई है कि ग्रीड और नीड के बीच की लाइन ही खत्म हो गई है. हमने अपनी नीड्स इतनी बढ़ा ली है कि उसको पूरी करने के लिए हमको ग्रीडी होना पड़ेगा. ये डिफरेंस हमको बिल्कुल क्लियर है ना? पेट भरने के लिए खा रहे हैं तो वो नीड है, और टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो वो डिजायर है. उसको आप डिजायर भी कह सकते हो, ग्रीड भी कह सकते हो. ग्रीड इज नॉट जस्ट फॉर मनी, इट्स फॉर नेम, फेम, सेंसेशंस, एक्सपीरियंसेस, पता नहीं क्या क्या, किस किस तरह के डिजायर्स हैं, किस किस तरह की जितनी भी हमारी जरूरत है उसके ऊपर जो भी कुछ है वो सब ग्रीड है. वो सब हमारे डिजायर्स हैं. वो डिजायर्स क्या करते हैं? हमारे माइंड को पीसफुल करते हैं, रेस्टलेस करते हैं. तो जिन डिजायर्स को आप अपना दोस्त समझ रहे हो, एक्चुअल में अगर आप डीपली लाइफ को समझोगे, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है. हमको क्या लगता है, एक बड़ी तगड़ी एक गलत फहमी माइंड के अंदर बैठी हुई है कि जो डिजायर्स हैं वो बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. कि डिजायर ही नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे, डिजायर ही नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे. जबकि एक्चुअल में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? डिजायर चाहिए होता है, समझदारी चाहिए होती है. दो टीम्स हैं, आपस में कॉम्पीट कर रही है. मानो फुटबॉल का मैच होने वाला है, एक को बोला जाए, उसको पूरा चार्ज्ड अप कर दिया जाए कि तुम्हें अपनी कंट्री के लिए खेलना है, ये करना है, वो करना है, तुम्हें मेडल लेके आना है, ये करना है, वो करना है, समझ गए? एक तरह से जो दूसरी टीम है उनको सिंपली बोला जाए कि तुम्हें अच्छा खेल खेलना है, फालतू की चीजें नहीं सोचनी है कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना है, अपनी गेम पे ध्यान दो, यानी समझदारी से खेलो. तो कौन ज्यादा पीसफुली खेल पाएगा और कौन रेस्टलेस होकर के खेलेगा, किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले पे प्रेशर ज्यादा होगा कि अगर मैं हार गया तो इतने करोड़ों लोग देखने वाले हैं टीवी पे, मेरा क्या होगा, मैं किस मुंह से जाऊंगा वहां पर जाकर के अपनी शक्ल दिखाऊंगा. डर आएगा ना साथ में, डिजायर के साथ में डर नहीं आता क्या? जितना डिजायर होता है उतना ही डर भी होता है साथ में. तो ये है तरीका जैसे लोग समझते हैं, बट एक्चुअल में जब जैसे जैसे लाइफ आपको गहराई से समझ आ जाती है तो आपको समझ आ जाता है कि डिजायर एक्चुअल में हमारा कोई दोस्त नहीं है, दुश्मन है. अंडरस्टैंडिंग इज अ रियल फ्रेंड. एक तरह से एक बंदा है उसके अंदर डिजायर नहीं है जीतने का, लेकिन गेम की समझ तगड़ी है. कौन जीतेगा? समझ है, सिंपल है ना यार. वो कह रहा है मैं हारूं जीतूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा खेलना है. खेलना इज नॉट अ डिजायर, इट्स अ नीड. देखना, ध्यान से समझना, बच्चों के लिए खेलना यानी एक्टिव रहना फिजिकली, वो डिजायर है, नीड है? डिजायर और नीड में फर्क समझ आ रहा है ना? जो भी हमारा बेसिक नेचर है उसके हिसाब से एक्ट करना, दैट इज आर नीड. उसके ऊपर जो भी कुछ है, जो भी सोसाइटी ने हमारी कंडीशनिंग कर रखी है, चाहे पॉजिटिवली हमको चढ़ाया हुआ है चाहे नेगेटिवली, वो सब डिजायर्स का पार्ट है. डिजायर एंड फियर, ये पूरा एक ब्रैकेट है. तो समझ क्या कहती है? देखो, अब अगर इसको पकड़ गए ना अब इस एज में तो मजा आ जाएगा. समझ क्या कहती है? अभी आप लोगों की शादी तो हुई नहीं है, तो अभी एक एक्सपेरिमेंट करो, कुछ दिन के लिए, मे बी हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, कम से कम पैसे में सर्वाइव करके देखो, बिना अपने मोबाइल फोन के. बड़ी बात नहीं है, कोई भी ऐसी जगह पे जा करके एक बार अपने लिमिटेड दायरे से बाहर निकल करके देखो. अभी हम क्या है, वही चार दीवारी में छोटे से घर के अंदर गोल 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 घुसे रहते हैं, वहीं पे घूमते रहते हैं, वहीं पे अपना मोबाइल पे लगे रहते हैं. तो एक्चुअल में देखा जाए तो हम मोबाइल में ही जी रहे हैं, उस बॉक्स में जी रहे हैं. देख रहे हो लाइफ कितनी छोटी हो गई है? पहले फिर भी लोग खेतों में जीते थे. कहां भाई, मोबाइल में ही जी रहे हो आप. ये आपकी लाइफ है, बस ये है आपकी लाइफ, इतनी सी लाइफ है. इसको बड़ा करो ना, अभी बड़ा करके देखो, ट्रैकिंग करके देखो, कुछ ऐसा करके देखो जहां पे आप अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा पुश करो, और कम पैसे में जी करके देखो, और देखो कि उसमें मजा आता है नहीं आता है. ये सब चीजें मैं बहुत बार कर चुका हूं अपनी लाइफ में, करता भी हूं, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं. इससे क्या होगा, आपको ये समझ आ जाएगा कि पैसे की जो मेरी जरूरत है एक्चुअल में, जो नीड है, नीड फॉर मनी, दैट इज वेरी वेरी लेस. तो पैसे को आप खुशी से नहीं जोड़ोगे. अभी लोगों ने क्या गड़बड़ कर दी है, पैसे को खुशी से जोड़ दिया है. अब आप पैसे को किससे जोड़ोगे? सर्वाइवल से. पैसा किस लिए चाहिए? सर्वाइवल के लिए. और सर्वाइव करने के लिए मेरी जो जरूरतें हैं वो बहुत ही कम है. आप कहोगे सब कुछ चला भी जाए मेरे हाथ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप ऐसे कई बार रह करके देख चुके हो अकेले, मतलब कम से कम पैसे में भी खुश कैसे रहते हैं वो आपको डीपली समझ आ चुका है. दिस अंडरस्टैंडिंग विल टेक केयर ऑफ दिस ग्रीड. वो ग्रीड अपने आप ही निकल जाएगी, निकालनी नहीं पड़ेगी. यानी अब मुझे कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए खुश होने के लिए. बट हैविंग सेड दैट, यू आर नॉट इवन अगेंस्ट इट. जैसे लोग क्या होते हैं, वो एकदम से उधर भागते हैं कि मेरी बात का क्या मतलब निकालेंगे, हाँ फिर तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां पे पहाड़ के बैठ जाओ. नहीं, नहीं ना 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 ना,
यानी कि अगर अपनी समझ से मैं कोई काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, कहीं पे जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहां से पैसा आता है, किस बेस पे आएगा? आपके डिजायर्स की वजह से, आप जो मांग रहे हो उसकी वजह से, आपके काम की वजह से। अच्छा काम करोगे तो आएगा, जितना करोगे उतना मिलेगा। तो वहां से अगर बहुत पैसा आ भी गया और आपके पास में बहुत सारी गाड़ियां भी हो गई, बड़े से बड़ा घर हो गया, तो यू आर नॉट अगेंस्ट इट, यू आर ओके विद इट, ठीक है, कंफर्टेबल लाइफ है। तो यू आर नॉट अगेंस्ट कंफर्ट, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑलवेज रेडी टू लिव विदाउट थिंग्स। तो जब इस तरह से हमको समझ आ जाता है तो हमारे अंदर से ग्रीड पूरी तरह से निकल जाती है और माइंड पीसफुल हो जाता है। जो नीड्स हैं वो जब कम हो जाती हैं तो ग्रीड कम हो जाती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी नीड्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपने डिजायर्स को हमने नीड्स का नाम दे दिया है। घर में LED टीवी तो बड़ा होना ही चाहिए, मोबाइल फोन ये 1000-2000 वाला नहीं चलेगा, हाँ बढ़िया मतलब स्मार्टफोन 30-40 हजार रुपए का, 50 हजार रुपए का होना ही चाहिए हाथ में। आदि नीड्स आजकल पीयर प्रेशर के वजह से बढ़ जाते हैं, जो ज्यादा ही पीयर प्रेशर इन द सेंस लोगों को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है वो आपको ग्रीडी मिलेगा, क्योंकि उससे कॉम्पीट कर रहा होगा, कॉम्पिटिशन में वो फड़फड़ाएगा, कोशिश करेगा बहुत कुछ अचीव करने की, कर पाएगा नहीं कर पाया तो परेशान हो जाएगा, कर लिया तो और हवा में चढ़ जाएगा, तो माइंड कैसे पीसफुल होगा, वहां पे रिलेशन कैसे बनेगा। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पैसे से रिलेशनशिप बनती है। वो जो पैसे से रिलेशनशिप बनती है वो उसकी वैल्यू है, मतलब की रिलेशनशिप हो गई ना, वो फिर कैसी रिलेशनशिप होती है कि अगर आप जा करके बात करोगे ना अपनी वाइफ से कि भाई मेरे को इतना पैसा कमाने के लिए वहां बाहर जाना हो, जाओ ना जाओ। अब ये रिलेशन है, इज दिस अ रिलेशनशिप? 5 साल के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, हाँ जाओ। अरे भैया फिर तो पैसे से रिलेशनशिप है, आपस में तो है ही नहीं, दोनों की ही पैसे से रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप मतलब क्या, साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि पैसा। और साथ होने का मतलब क्या है, मैं भी पीसफुल वो भी पीसफुल, उसी को साथ बोलते हैं, उसी को जुड़ना बोलते हैं। मैं बौखलाया हुआ, तू बौखलाया हुआ, हो गया हो गया, दुनिया की नजर में बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, यानी कि फेसबुक के ऊपर बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, सब अपनी हस्ती हुई फोटो डाल रहे हैं, सब ऐसे दिखा रहे हैं दुनिया को कि मैं पता नहीं कितना खुश हूं या कितनी खुश हूं, 2 महीने बाद पता लगा तलाक हो रहा है उन दोनों। आपको कि ये कब हुआ भैया, मैंने तो आपकी जितनी भी फोटोग्राफ देखी है पिछले 6 महीने की वो तो बड़ी कमाल की थी, वो तो ऐसा लग रहा था भाई तोता मैना मिल गई है, लैला मैना, इतनी बढ़िया लाइफ, इससे बढ़िया तो लाइफ हो ही नहीं सकती, ये क्या हुआ एकदम से, मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, सब दिखावा है। तो आपको देखना है, आपको भी दिखावे वाली लाइफ जीनी है, ये एक्चुअल लाइफ जीनी है, दोनों में बड़ा फर्क है। दिखावे वाली लाइफ मतलब क्या है कि अपने आपको खुश दिखा रहे हो, दुनिया को प्रूव कर रहे हो देखो मैं कितना खुश हूं, उससे क्या होगा, नॉट इंपॉर्टेंट। एक्चुअल लाइफ क्या है कि दुनिया को लगता है कि नहीं आप खुश नहीं हो, लेकिन एक्चुअल में जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो बहुत खुश हो और वो बहुत खुश है, दुनिया को क्या लगता है क्या, उससे फर्क क्या पड़ता है। तो जैसे जैसे चीजें हमको गहराई से समझ आती चली जाती है तो क्या होता है, इस अंडरस्टैंडिंग से आप ठहरते चले जाते हो, क्योंकि अब अंडरस्टैंडिंग की पावर्स आपको समझ आ रही, अंडरस्टैंडिंग से आपने अपनी नीड्स कम कर ली, अंडरस्टैंडिंग से आपने अपनी पावर्स बढ़ा ली कि किसी भी काम को समझ करके कैसे वहां से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अंडरस्टैंडिंग से हम अपनी नीड्स को बहुत कम कर सकते हैं और ये देख सकते हैं जितनी नीड्स हमारी कम होती है खुशी उतनी ही ज्यादा होती है। अभी आप इसका उल्टा समझते हो, जैसे हमारी आदत सबकी क्या है, भर देना चीजों को, घर देखोगे अपने सब भरे पड़े हैं, घर क्या है, कबाड़ घर है। ये माओ की क्या प्रॉब्लम होती है आप सबको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत है, कभी काम आएगा, कब आएगा पता नहीं, हाँ मतलब अभी 2 बच्चे हैं, जब तीसरा आएगा तब काम आएगा, अब कब आएगा तीसरा, ये बात पकड़ में आ रही है। हमारी सबकी आदत क्या है, भर देना अपनी लाइफ को, बाहर हमने चीजों से भर रखा है, अलमारी अपनी जाकर के देखो भरा पड़ा है, ऐसे ऐसे कपड़े पड़े हुए हैं जो आपको पता है आप पहनते ही नहीं हो, पहनते वही गिने चुने हो, लेकिन भर रखा है अलमारी को, घर को भर रखा है फर्नीचर से, और हमको लग रहा है इससे खुशी मिलती है, कभी खाली करके देखो, आज कर देंगे मेरा अगर घर देखोगे, आज कर देंगे और जूते पड़ेंगे, हाँ मेरा अगर आप देखोगे जहाँ पे मैं ऑफिस में जहाँ पे बैठता हूँ या फिर जहाँ पे घर में, सब खाली मिलेगा आपको, बहुत कम काम की चीजें दिख रही होंगी, मतलब अगर एक छोटी सी भी कोई चीज पड़ी हुई है तो वो इसका मतलब यूज हो रही है, इसलिए वहां पे पड़ी हुई है, एक भी चीज यूजलेस नहीं है, जो यूजलेस है वो घर के बाहर है।
तो इससे क्या होता है, हमारी वही आदत जो बाहर होती है वही अंदर हो जाती है, हम इकट्ठा कर लेते हैं चीजों को। बाहर हमारी आदत नहीं है चीजों को इकट्ठा करने की, तो दुनिया क्या समझती है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करके खुशी मिलने वाली है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी बिल्कुल अपोजिट बात कह रहा हूँ। जितनी कम चीजें आपके पास में है, कम जरूरतें हैं, जितना खालीपन है आपके आसपास में, उतनी ज्यादा खुशी है। जितना भर रहे हो उससे खुशी नहीं है। ऐसे ही बाहर है, ऐसे ही अंदर है। अंदर भी हमने भर लिया अपने आप को, पता नहीं क्या क्या बातें पकड़ के बैठे हुए हैं, पास से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, पता नहीं क्या क्या पकड़ लिया है। जितना पकड़ा हुआ है उतना ही हमारे अंदर एक कबाड़ घर बना हुआ है। तो जब आप बाहर से चीजों को खाली करते हो, अंदर से खाली करते हो, अब आप पीसफुल रह सकते हो। ये सब कैसे हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग से। अदरवाइज आपका जो बेसिक नेचर है वो है इमिटेशन का, जैसे बंदरों का होता है, एक दूसरे की नकल करना। मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार ये कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं तो मैं भी यही करूंगा, तो सारे बंदर वही कर रहे हैं, तो सारे बंदर वही कर रहे हैं। बंदर कह लो, खच्चर कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। तो ये है खच्चरों की दुनिया। खच्चर कौन, जो कभी भी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम ना करे, बस अपने बेसिक नेचर के हिसाब से चलता चला जाए, खाए पिए निकाले, बच्चे पैदा करे, काम करे। काम किस लिए करें, वहां से पैसा आएगा, उससे क्या होगा, खाएंगे पिएंगे फिर निकालेंगे क्या करेंगे। अगर एक्चुअल में आप लाइफ देखोगे बहुत सारे लोगों की, उनसे पूछो आपने किया क्या अपनी लाइफ में, 50 साल आपकी एज हो गई, आपने क्या किया, अच्छे साफ सुथरे खाने को गोबर बनाने के अलावा और क्या काम किया आपने, समझाओ कितना गोबर क्रिएट किया होगा आपने 50 साल में, इसके अलावा और क्या किया, मतलब सोचो कितना, मतलब कितने टन गोबर आपने क्रिएट किया है। बात पकड़ में आ गई ना। अंडरस्टैंडिंग से हम अपनी नीड्स को कम कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग से हम खुश हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग से हम अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको बढ़ा सकते हैं, इतनी बढ़ा सकते हैं कि जितना पैसा चाहिए उससे लाख गुना ज्यादा खुद चल करके आपके पास में आए, आपको मांगना ना पड़े। अंडरस्टैंडिंग को आप ऐसा कर सकते हो कि पैसा कमाने का डर आपके अंदर से पूरी तरह से निकल जाए, क्योंकि आपको पता हो गया यार बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ तो ये पता होना चाहिए, इधर से ये पता होना चाहिए कि भाई सब चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डजंट मैटर। दूसरी तरफ से आपने जो पैसा कमाया है उसको पागलों की तरह खर्च नहीं कर रहे हो, क्योंकि नीड्स ही आपकी बहुत कम है, तो सोच समझ करके खर्च कर रहे हो, सेविंग्स भी करी हुई है। तो इससे क्या होता है, माइंड खाली हो जाता है, फालतू की चीजों में ऑक्यूपाइड नहीं रहता है। जितनी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती है उतना ही हम पीसफुल हो जाते हैं, उतना ही लाइफ में खुशियां आ जाती हैं धीरे धीरे। जितना हम पीसफुल होते हैं, जितना हमारे अंदर खुशियां आती है, उतना ही वो लोग जो हमारे कॉन्टैक्ट में आते हैं वो भी पीसफुल होते चले जाते हैं, वो भी खुश रहने लग जाते हैं। मेरी इन बातों को सुनकर के ये नहीं बोलना है काश मुझे ऐसा एक पति मिल जाए, पता है मुझे कि आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है। तो क्या सोचना है ये सारी बातें सुन करके, कि मुझे अपने आप को ऐसा बना देना है तो कितना मजा आएगा लाइफ में, तो खुद को ऐसा बनाना है।